कोरोना वायरस को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन में आम लोगों के लिए कई निर्देश हैं। इनमें पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और थूकने पर जुर्माने जैसी बातें भी शामिल हैं। इसमें क्वारंटीन में रहने पर, वर्क प्लेस पर, सड़कों पर आने जाने से लेकर अंतिम संस्कार में शामिल होने और लिफ्ट के इस्तेमाल तक को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। लॉकडाउन 2.0 में नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं, पहले से ही मुस्तैद प्रशासन लॉकडाउन 2.0 की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद और ज्यादा मुस्तैद हो गया है। वहीं लॉकडाउन तोड़ने पर सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के मुताबिक दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर ऐसा करने से किसी को जान का नुकसान हुआ तो 2 साल जेल हो सकती है। कोई झूठी खबर फैलाई तो धारा 54 के तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। नियमों की बात करें तो अब फेस मास्क हर व्यक्ति के लिए लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। किसी भी तरह के धार्मिक कार्य को करने से इसमें रोका गया है। यहां तक कि दाह संस्कार में कितने लोग जाएंगे उसकी भी संख्या तय कर दी गई है, और मनरेगा के तहत जो काम होते हैं उसको इजाज़त दी गई है ताकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको रोजगार मिले और उसमें फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखा जाए। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पादन की बिक्री और इसे खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान शादी में भीड़ जुटाई तो 1 साल की सजा का प्रावधान है। धार्मिक आयोजन में भी भीड़ जुटाने पर 1 साल की सजा है, और अगर इन समारोह में किसी की जान का नुकसान हुआ तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल और वेटनरी केयर से जुड़ी या फिर जरूरी सामान लेने जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन 4-व्हीलर में ड्राइवर और बैक सीट पर एक व्यक्ति, जबकि 2-व्हीलर में सिर्फ ड्राइवर को जाने की इजाजत रहेगी। नौकरी पर जाने और वहां से लौटने के दौरान वो गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार के निर्देशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी। सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। वर्क प्लेस पर 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइज कराएंगे। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेगी। लिफ्ट में एक वक्त में 2 से ज्यादा व्यक्तियों को जाने आने नहीं दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों के लिए बार बार हाथ धोने की अनिवार्यता रहेगी, और कॉमन एरिया की सफाई भी की जानी होगी। हाइजीन को लेकर उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होगी। लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में कानून तोड़ने वालों और दूसरे लोगों के लिए जानमाल का खतरा पैदा करने की स्थिति में लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की 9 धाराओं के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों पर आदेश न मानने की स्थिति में IPC की धारा 188 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को मेडिकल अथॉरिटीज ने घरों या बाकी जगहों पर क्वारंटाइन रहने को कहा है वो कड़ाई से इसका पालन करेंगे। जो नहीं करेंगे उन पर भी IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। बात अगर कंटेनमेंट जोन की करें तो इसके अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन की परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।